नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूँ आपके साथ सुनीता शर्मा। वैसे आप जानते हैं कि इस समय गर्मी का माहौल बहुत ही ज्यादा आसमान छू रहा है, लेकिन इस समय गर्मी तो गर्मी लेकिन अब पानी की भी किल्लत देखने को मिल रही है। जी हाँ, राजस्थान में इस समय गड्ढों से पानी निकाल कर लोग पीते नजर आ रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है कि गड्ढों से पानी निकाल कर फिटिकरी से साफ कर उनको पीते नजर आ रहे हैं। तो जान सकते हैं कि अभी गर्मी शुरू हुई है, जब इतनी महंगाई को देखते हुए और गर्मियों को देखते हुए यानी पानी की किल्लत अभी देखने को मिल रही है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे पाली के उन चार गांवों की कि किस तरीके से गड्ढे से पानी निकाल कर फिटिकरी से साफ कर वो अपना पानी से गुजारा कर रहे हैं। देखिए अपनी खास रिपोर्ट। अप्रैल शुरू होते ही राजस्थान पर बड़े जल संकट का खतरा मंडराने लगा। पानी के लिए हाहाकार मच रहा। गड्ढे तक के पानी को लोग नहीं छोड़ रहे, उसे फिटकरी से साफ कर पी रहे हैं। कई गांवों का सीन तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पाली के सबसे ज्यादा प्रभावित रोहट के चार गांव में पानी के लिए ऐसा संघर्ष शायद ही कहीं देखने को मिले। पहाड़ियों के नीचे बने गड्ढों में ठहरे पानी को गधों पर लाद कर घर तक ले जा रहे हैं। पाली की स्थिति तो सबसे ज्यादा खराब है। जवाई सागर बांध में पानी नहीं होने के कारण अप्रैल में ही वाटर ट्रेन चलाई जा रही है। वाटर ट्रेन के लिए 100 वैगन कोटा स्थित रेलवे की वर्कशॉप में तैयार किया जा रहा है। साथ ही राजस्थान में पानी के लिए इस कदर टेंशन बढ़ने लगी है कि आगे बढ़ने से पहले राजस्थान इस महासंकट से कैसे निपट सकता है।